बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं अपने किचन में हर दिल अजीज भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा भिंडी गोश्त कैसे बनेगा। तो देखिए, मैंने इसमें कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है। और इस भिंडी गोश्त को हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे, और इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ऑयल को हम अच्छा गर्म हो जाने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और मेरे पास है कुछ ये खड़े मसाले, जिसमें एक बड़ी इलायची है, चार लौंग है, ये दो तेज पत्ते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये तीन मीडियम साइज की प्याज थी, जिसे मैंने इस तरीके से लंबा लंबा सा काट लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, थोड़ी सी ये गुलाबी सी होगी, तब हम इसमें अपने मटन को ऐड करेंगे। तो देखिए, हमारी प्याज हल्की गुलाबी होना स्टार्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने मटन को ऐड कर देंगे। तो ये मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें मटन डाल दिया है। और यहीं पे हम इसमें डाल देंगे ये दो मीडियम साइज के टमाटर थे, जिसे मैंने काट लिया है, ये भी हम डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और यहीं पे हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने डाल दिया इसमें कश्मीरी मिर्च, ये मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून भर करके पिसा हुआ धनिया, ये मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, क्वार्टर टी स्पून, ये मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। तो एक साथ ही सारी चीजें हम डाल देंगे, बहुत ही जबरदस्त भिंडी गोश्त बन करके ये हमारा तैयार होगा। ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और साथ ही जाएगा इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें नमक, ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। थोड़ा सा इसे और भून लेते हैं। इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे, और मटन को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये इसमें मैंने प्रेशर लगा दिया, और जब तक कि हमारा गोश्त टेंडर होता है, तब तक हम अपनी भिंडियों को देखिए, मैंने एक पैन रख दिया है, पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। और ये मेरे पास है आधा किलो भिंडी, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो करके पोंछ करके काट लिया है। इस तरह से इसमें चीरा लगा दिया है, ताकि मसाले अच्छी तरीके से अंदर तक जा सके इसमें। तो अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, ताकि इसमें लेस ना हो। इस तरह से नींबू का रस डाल देने से लेस नहीं होगी। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल हल्का सा इसमें नमक, हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। और भिंडियों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर देंगे। और डालेंगे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, और इसे फ्राई करेंगे। देखिए, भिंडियों में बिल्कुल भी लसलसापन नहीं है नींबू डालने से, तो आप नींबू जरूर ऐड करिए, नींबू का रस।
तो देखिए हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने मटन को चेक कर लेते हैं। तो हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया है, टेंडर हो गया है। तो अब हम इन्हें भूनेंगे अच्छी तरह से, भून लेंगे हम गोश्त को चटाते हुए। और यहाँ हम इलायची और जावित्री का पाउडर डाल देंगे एक छोटी चम्मच, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो देखिए ऑयल जो है सरफेस पे आ गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये भिंडी इसमें ऐड कर देते हैं। ये मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे इसे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसकी फ्लेम को लो करके हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, ढक्कन को इसी तरह से रख देंगे। तो देखिए हमारा भिंडी गोश्त बन करके तैयार हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसे सर्व कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बन करके तैयार हो गया है हमारा भिंडी गोश्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। मेरी फैमिली में सबने बहुत पसंद किया। आप भी इसे अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को खिलाएं और ढेरों तारीफें लूटें। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।